दोस्तों, अगर आप एक मोबाइल यूज़र हैं और रात को इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, इंटरनेट सर्फ करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक या कुछ भी यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो आपकी आंखों को ज़्यादा ख़तरा होता है। क्या आपको पता है दोस्तों कि आपकी मोबाइल स्क्रीन से ऐसी रेज इमिट होती हैं जो कि आपकी आंखों के लिए जो है ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन से उन रेज को इमिट होने से कैसे रोक सकते हैं, आज की वीडियो यही टॉपिक पे होने वाली है, तो आपने कम्प्लीटली इसको देखना है, स्किप नहीं करना। तो उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने इस सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करना है जो आपको वीडियो के नीचे नज़र आ रहा है। उसके बाद दोस्तों उसके साथ जो बेल आइकन है आपने उस पर भी लाजमी प्रेस करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, इसका नाम है EyeProtect। मैं आपको बताता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका कमाल जो है वो दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, जब हम इसे ओपन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है इसका आ जाता है। अब देखिए, सिर्फ आपने क्या करना है इस ऐप में दोस्तों, आपने सिर्फ एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, फ़िल्टर ऑफ। तो आपने क्या करना है, फ़िल्टर जो है इस पर क्लिक कर लेना है और देख सकते हैं आपको जो है एक मोबाइल स्क्रीन में चेंज नज़र आया होगा कि या तो इसकी आप सोच रहे होंगे कि ब्राइटनेस कम हो गई है या फिर इसकी इंटेंसिटी जो है वो कुछ कम हो गई है। दोस्तों, होता इस तरह है कि अगर आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस जो है वो कम करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ इस तरह की रेज जो है जो इमिट होती हैं और आपकी आंखों को नुकसान देती हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी ऐप है, जब आप इसका फ़िल्टर ऑन करते हैं तो ये आपकी मोबाइल स्क्रीन को मुकम्मल एक तरह से प्रोटेक्शन देती है और उसको जो है दोस्तों इस तरह की रेज इमिट करने से रोक लेती है। तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देर मोबाइल रात को यूज़ करते हैं तो अपनी आँखों को बचाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बाकी भी दोस्तों बहुत सारे फंक्शन हैं, पड़े नीचे आपको मिलेगा इंटेंसिटी, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह। लेकिन दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने इसको 20 से लेके 30 के बीच ही रखना है ताकि आपका मोबाइल की जो लुक है वो भी ठीक रहे। तो बाकी भी इसमें सेटिंग है पड़ी, लेकिन इसमें जो मेन काम का फंक्शन है वो यही है, देख सकते हैं बाकी भी चीज़ें हैं पड़ी। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, ये ऐप आपको प्ले स्टोर से इजीली तौर पे मिल जाएगी, इसका नाम है EyeProtect। दोस्तों, इसका जो लिंक है वो मैंने आपको दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो मैं आपको प्ले स्टोर से भी दिखा देता हूं। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहें तो आपने प्ले स्टोर में जाके लिखना है EyeProtect। दोस्तों, मैं लिखता हूँ EyeProtect तो तीसरे नंबर पे ये मुझे मिल रही है, फर्स्ट नंबर वाली जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें से अक्सर जो है दोस्तों जो है अच्छी काम कर रही है, लेकिन ये वाली मुझे बहुत पसंद आई है क्योंकि इसके रिव्यूज़ देख सकते हैं बहुत ही अच्छे रिव्यू आए हुए हैं। नीचे 4.6 की इसकी रेटिंग है और बहुत ही अच्छी किस्म के लोगों ने इसको रिव्यू जो है वो दिए हुए हैं। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।